लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की नींद उड़ी हुई है इस खौफ में कि कहीं इंडियन आर्मी फिर से पीओके पर स्ट्राइक न कर दे। पाक सेना के बड़े अधिकारियों के साथ जनरल बाजवा लगातार बैठक कर रहे हैं। सामनेक्रम भारतीय जनरल की कल दी जाने वाली गीदड़ भपकी से पहले ही पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट थी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैवी मूवमेंट भी देखी गई है। अब भारतीय इस बात से परेशान है कि हमारे तो जनरल ने एक दिन पहले बयान दागा है कि हम किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, कश्मीर पर कब्जा कर सकते हैं, तो इससे पहले ही पाकिस्तान को ये सारी मालूमात कैसे पहुंच गई है। उसके अलावा अगर अभी आप भारत का मीडिया देखें तो वो ये कहता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी तेजी से हलचल फैली हुई है। जनरल बाजवा धमकी के बाद मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं, काफी सहमे हुए हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान में आप देखें तो इस मामले पर बिल्कुल ठंड पड़ी हुई है। हम तो इंडिया की तरफ से इतने ज्यादा बेगम हो चुके हैं कि हम इतने बड़े मुद्दे के बाद भी आपसी लड़ाइयां छोड़ने को तैयार नहीं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि भारत की गीदड़ भपकी की कितनी वक्त है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का ना तो कोई मीडिया आउटलेट ऐसे शोर मचाता दिखाई दे रहा है कि जैसे भारतीय अब वावेला कर रहे हैं, और अब जनरल बाजवा की होने वाली मीटिंग के बाद भारत में खलबली मची हुई है। और भारत का अपना मीडिया जो पहले पाकिस्तान को अपनी नॉर्दर्न कमांड के जीओसी के नाम की गिदड़ भपकियां देता नजर आ रहा था, अब वो पाकिस्तानी फौज के काउंटर अटैक से थर थर कांपता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी आवाम हो या पाकिस्तानी अफवाज, हमें मालूम है कि भारत को अगर 27 फरवरी याद रहा तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसने किया भी तो हमारी अफवाज, जिनमें बड़ी बहरी या फिजाई अफवाज शामिल है, वो मुकम्मल तौर पर अपने बॉर्डर्स पर तैयार खड़ी है। बिल्कुल एक मिनट की भी उन्होंने चूक नहीं करनी। और वही हाल करना है भारत का, जिस पर उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था वेट फॉर आवर सरप्राइज। और उसी रात ऐसा सरप्राइज भारत को मिला था कि उसके पायलट को चुपैड़ों के साथ साथ गरम गरम फैंटास्टिक चाय भी पिलाई थी। आइए भारतीयों का रदम्बल दिखाते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज के हाई अलर्ट पर होने पर भारतीय किस तरह चीखते चलाते नजर आ रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की नींद उड़ी हुई है इस खौफ में कि कहीं इंडियन आर्मी फिर से पीओके पर स्ट्राइक न कर दे। पाक सेना के बड़े अधिकारियों के साथ जनरल बाजवा लगातार बैठक कर रहे हैं और हर इंटेलिजेंस इनपुट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इधर इंडियन आर्मी का हौसला भी बुलंद है। वजह है पाक अधिकृत कश्मीर पर आतंकियों के लॉन्च पैड फिर से तबाह करने का मौका मिलेगा। हालांकि ये कब होगा और कितने सीक्रेट तरीके से होगा इसकी भनक शायद ही किसी को लगेगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि पीओके को फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। रक्षा मंत्री का यह बयान किस ओर इशारा करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को मजबूती देता है। तो क्या इंडियन आर्मी फिर से पाक अधिकृत कश्मीर पर स्ट्राइक करने जा रही है? इसके जवाब में जनरल द्विवेदी कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो भी आदेश दिया जाएगा सेना उसका पालन करेगी। रक्षा मंत्री गेव दी स्टेटमेंट अबाउट द पीओजे के एज यू आर अवेयर दैट पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द सब्जेक्ट, सो देयरफॉर इट्स नथिंग न्यू, इट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be. उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को साफ लहजे में कह दिया है कि अगर सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया गया तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि सीमा पर शांति बनाए रखे, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई चालबाजी करेगा तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा था कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी।
गौरतलब है कि इंडियन आर्मी के जवानों ने 28-29 सितंबर की रात पीओके में घुसकर 50 से ज्यादा आतंकियों का सफाया किया था। ये स्ट्राइक उरी में शहीद हुए जवानों का बदला था। भारत के इस हमले ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जबकि इस स्ट्राइक से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा था। मालूम हो कि आतंकियों ने 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना कैंप पर हमला किया था, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे जबकि 30 जवान घायल हुए थे। उरी के बाद जैश के आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले को भी टारगेट किया था। 14 फरवरी 2019 को हुए इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले ने भी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के बाद सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी थी। इस हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों को नेस्तोनाबूद करने के लिए सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों के फंडिंग और पनागारों को टारगेट किया गया। सेना के इस ऑपरेशन ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है। बौखलाए आतंकी अपनी हत्या लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सेना आतंकी मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है। टूरिस्ट वीजे पे वो आजकल इजाजत दे रहे हैं भगोड़ों को, तो आप जाइए वहां देख के आइए, वो जो मेमोरियल्स बने हुए हैं, सरेंडर डॉक्यूमेंट जहां साइन हुआ था, ये मेरा ख्याल है ये हज छोड़ दीजिए पाकिस्तानी मुसलमानों को, जाके ढाका में हज करें, क्योंकि वहां शायद आपकी आंखें खुल जाए, शायद आपको समझ में आए कि आप कश्मीर को तो छोड़िए, ईस्ट पाकिस्तान की बात पहले करिए, जहां पाकिस्तान बना था, जिन्होंने 25 साल बाद कहा कि ये घटिया नाम हमारा ठीक नहीं चाहिए, हमारा नाम बांग्लादेश है, पहले उसको करिए, निपटिए आपकी अपनी तारीख जो है उसको करिए। ये कब तक आप खैराती कटोरे लेके घूमते रहेंगे, कभी चीन के गुलाम, कभी अमेरिका के गुलाम, कभी किसके गुलाम, और ये सोनिया गांधी के ऊपर लड़ा दिया आपने, पता नहीं क्या बन गई जब तो उनको आउट कर दिया। आपकी जो मौजूदा सरकार है उस पर भी यही आरोप लगते हैं, इससे पहले भी आपके यहाँ कितनी बार तख्ता पलट हुआ मुझे बताना पड़ेगा क्या? प्लीज प्लीज, चलिए कोई बात नहीं। एमएस मित्तल साहब, एक मिनट आपका, बौखला जाते हैं। देखो अभी शाह साहब जो पत्रकार साहब बोल रहे थे कि चुनाव चुनाव एक मुद्दा बनाया, इन्होंने जो बात अभी कही, 370 दारा जब हटी थी उस वक्त क्या था, जब पाकिस्तान में बालाकोट में 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर आपके कैंपों को तबाह करके कई सौ आतंकवादियों को ढेर किया था, उस वक्त क्या था? और पार्लियामेंट का बयान सुनिए अमित शाह जी का, ये वो तीन लोग हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह और एक राजनाथ सिंह, और ये आप हमारे फौज का वो जनरल, ये पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में सुन रहा हूं दत्ती जी कि फौज के इतने सीनियर अधिकारी ने ये कहा कि सरकार हुक्म दे हम तैयार हैं, हमारी तैयारी, हम छेड़ते नहीं है, आप हमें छेड़ के देखिए। और पिछली डिबेट में इरशाद साहब थे, ऑक्यूपाई कश्मीर का चर्चा अदिति जी मैंने किया था, और पहली डिबेटों के अंदर जब 370 धारा हटने वाली थी, दो दिन पहले डिटेलों में आपको कहा था 370 धारा हटेगी। इरशाद जी आपको ये बता दे, ये कश्मीर का राग रोना बंद करे, ऑक्यूपाई कश्मीर। अभी एक मिनट का वक्त पूरा हो गया, एक और कमेंट मुझे लेना है।